स्पीड साठ। ओ भाई ये देखो क्या हो गया। इस टाइम हम द्वारिकाधीश पहुंच चुके हैं भाई। उधर से आए हम भाई, कम से कम होगा 7 से 8 किलोमीटर दूर से, और भाई यहाँ बोट से ही आए हैं द्वारिकाधीश। अब दर्शन करेंगे। वैसे भाई लोग अगर तुम बोट से आओगे ना तो भाई ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाई द्वारिका का जो मज़ा है ना भाई साहब, जो दर्शन करने का भाई, वो बोट से आए आपको नेक्स्ट लेवल की फीलिंग मिलेगी। तो मैं तो भाई बोट से आया हूँ, अब जा रहा हूँ ऊपर। वैसे अगर आप गाड़ी वगैरह से आओगे तो ये मेन गेट है, इधर से आओगे। अगर बोट से आओगे तो उस साइड से आओगे, पर भाई साहब बोट का मज़ा नेक्स्ट लेवल है, तो बोट से आओ, मैं तो यही राय दूंगा। और यहाँ पर देखो गाय माता, यहाँ पर गाय माता खड़ी है। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, सही है। तो भाई लोग अभी तो दर्शन हो नहीं रहे हैं, पर अंदर वीडियो भी बनवाने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। कह रहे कि भाई फोन ऑफ रखो, क्योंकि भाई अंदर फोटो अलाउ नहीं है ना वीडियो अलाउ है। तो भाई मंदिर के आपको दर्शन नहीं करवा पाऊंगा। करने में बहुत मजा आया बोट की, तो अब जा रहे हैं अपनी राइड पे, क्योंकि भाई उदयपुर यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर आसपास है, तो उदयपुर पहुँचना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सामला जी 129 किलोमीटर। तो भाई ठीक है, बहुत मजा आया भाई, हैप्पी जर्नी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई साहब यहाँ पे आओ, राजसमंद आओ, तो भाई साहब बोटिंग जरूर करो, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल की फीलिंग मिलती है भाई साहब, और वो भी सुबह के टाइम तो बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग का व्यू बहुत जोरदार रहता है। हाँ मॉर्निंग का व्यू तो भाई साहब तुम इस व्लॉग वाले व्लॉग में तो देख ही लोगे। ठीक है, ओके ठीक। तो भाई लोग अपने महादेव जी बुला रहे हैं, उन्हें बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। अब जा रहे हैं महादेव जी के पास में, और वहाँ पे अच्छी अच्छी एक दो रील बनाएंगे, और उनसे अपनी यात्रा की शुभकामनाएं लेंगे, और फिर चलते हैं अपनी यात्रा। महादेव जी के दर्शन करने हैं तो भाई खर्चा तो करना पड़ेगा, 200 रुपये एंट्री है, और भाई ऊपर टॉप पे जाने हैं तो भाई 1500 रुपये। तो भाई लोग ये है एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होगी, और उसके बाद ये यहाँ पे स्कैन करेंगे टिकट को। बैग भी अलाउ नहीं है, बैग भी नीचे जमा करने पड़ेंगे, तो अब बैग को जमा करते हैं। कई किलोमीटर दूर से ना महादेव की मूर्ति दिखाई देती है भाई, कई कई किलोमीटर के दूर से, और हाइट तो देख ही रहे होंगे तुम कितनी ऊंची है भाई। भाई लोग खूबसूरती की बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आओ विजिट करो तुम लोग भी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में तुम्हें मज़ा आ जाएगा।
जब से मैं घर से निकला हूँ ना, ये मेरी पहली टनल है जो मैं क्रॉस करूंगा। तो भाई पहली बार मुझे अपना कोई फॉलोअर मिला, बहुत खुशी है भाई साहब। इंस्टाग्राम पे इन्होंने मेरी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा कि भाई लोगों तक मेरी वीडियो जा रही है। तो भाई क्या नाम क्या है? मोहन। मोहन राठौर। राठौर, अरे वाह, राठौर तो हमारे भाई भी है। चलो ठीक है, मिलते हैं अभी। अब कहाँ जा रहे हो? अभी उदयपुर। उदयपुर? हाँ उदयपुर से घर। उदयपुर में रुकोगे? हाँ उदयपुर। कहाँ पे? मैं ये ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी खड़ी करूँगा, उसके बाद यहाँ से 80 किलोमीटर मेरा काम है। अच्छा, उदयपुर से 80 किलोमीटर? चित्तौड़। चित्तौड़? चित्तौड़ में? अरे वाह, चलो ठीक है भाई, से मिलकर अच्छा लगे। ये लगा दे हमने सातवां गियर और तीसरे गियर में, और ये चल पड़ी हमारी शेरनी। वैसे तो फोटो वगैरह बनाए। जय श्री राम। स्पीड देखो, स्पीड स्पीड देखो। स्पीड 60, मजा आ गया। तो भाई ओ भाई देखो क्या हो गया, देख रहे हो भाई क्या हाल करा टायर ने। तो भाई लोग, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है उदयपुर में। उदयपुर आज स्टे नहीं करूंगा क्योंकि भाई 60 किलोमीटर ही राइड हो पाई है, और 60 किलोमीटर से मुझे करना है भाई 80 या 85 किलोमीटर, क्योंकि भाई सामला जी मुझे कल पहुंचना है। तो यहाँ से 132 किलोमीटर, तो आज 20 से 25 किलोमीटर चलूँगा ताकि भाई कल 100 या 110 किलोमीटर ही राइड कर सकूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा हो जा फिर इनके वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब उदयपुर में स्टे नहीं होगा, उदयपुर से आगे होगा 20-25 किलोमीटर आगे। कपड़े कच्चे सुखा दिए भाई साहब, कपड़े धो नहीं रहे हैं क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें पता कि पूरा दिन हो जा साइकिलिंग करते फिर रात हो जा, अपने आप को खुद को भी टाइम नहीं मिल रहा। 2 से 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल नहाया नहीं अभी तक। तो भाई लोग आज की जो राइड है वो होती है कम्प्लीट। आज तुम्हारे भाई ने 102 किलोमीटर साइकिलिंग की है। वैसे रुकना तो था उदयपुर में, पर उदयपुर था 60 किलोमीटर, मुझे 80-100 किलोमीटर तुम्हें पता है डेली चलना है, तो मैं आगे आ गया। तो 40 किलोमीटर अब मैं आगे हूँ, तो टोटल हो गया 102 किलोमीटर आज मैंने साइकिलिंग की है। तो आज का टास्क तो हो गया कंप्लीट। और भाई आज की बात करें तो तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि भाई एक तो ऊपर नीचे हो रहा था भाई पहाड़ी, तुम्हें पता है इधर साइकिलिंग करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब पहाड़ी आ जावे ना भाई साइकिल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तुम्हें पता है। उसके बाद अब यहाँ से सामला जी पड़ेगा, यानी कि मैं कल गुजरात में एंटर करूँगा। जो गुजरात की सीमा है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो कल तुम्हारा भाई गुजरात में होगा, और भाई कल मैं 1000+ साइकिलिंग कर लूँगा, तो 9 दिन में 1000+। तो भाई जितना हो सके अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई शेयर करो। इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।